हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज मैं आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी वेस्ट बुनना सिखाऊंगी। इस बेबी वेस्ट को मैंने न्यू बॉर्न से लेकर 6 मंथ के बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग बुना है। इसे आप सिंगल कलर में भी बुन सकते हैं और इस तरह से डबल कलर में भी बुन सकते हैं। दोनों ही टाइप से ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। तो चलिए, कैसे हमें इसको बुनना है स्टार्ट करते हैं। बेबी वेस्ट के फ्रंट पार्ट को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे 61 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं, 61 फंदे डाल लिए हैं। अब ये हमारी राइट साइड है। राइट साइड से यहाँ से आप काउंट करते हुए टोटल 10 रोज 10 सलाइयाँ हमें बुनकर कंप्लीट करनी है और इन रोज को राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी सीधा सीधा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना है। जिस तरह से मैं आपको ये रो बुनकर बताऊंगी, इसी तरह से हमें रॉन्ग साइड की रो भी बुननी है। फर्स्ट फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर नेक्स्ट फंदों को इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए हमें ये 10 रोज कंप्लीट करनी है। राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी सीधा सीधा बुनते हुए टोटल ये 10 रोज मैंने कंप्लीट कर ली हैं। 10 सलाइयाँ बुन लेने के बाद अब जब राइट साइड से हम इन उल्टी उल्टी लाइंस को काउंट करेंगे तो ये हमें 5 नज़र आएंगी। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम राइट साइड 11th रो पर आ गए हैं। हमारे पास 61 स्टिचेज हैं, 61 फंदे हैं। 61 फंदों में से 3 फंदे हम सेंटर में रखेंगे। फिर 61 में से जब ये 3 स्टिचेस हम लेस करेंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 58 स्टिचेस, 58 फंदे बच जाएंगे। इन 58 फंदों में से 29 स्टिचेस स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक हम बुनेंगे, फिर 3 फंदों का एक बनाकर सीधा बुनते हुए फिर नेक्स्ट 29 स्टिचेस को यहाँ तक हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमें आगे अब इस पार्ट को बुनना है। अब हम यहाँ पे जो पार्ट हम बुनने जा रहे हैं वो हम फ्रंट का ये वाला पार्ट बुनेंगे। 29 फंदे जो हमें इस साइड बुनने थे उनमें से यहाँ तक 6 फंदे तो ये और 8 फंदे ये, 14 फंदे हमारे इस पार्ट में बुन जाएंगे। फिर बच जाएंगे 15 फंदे जिनको हमें सीधा बुनना है। अब इस तरह से तो हम ये 29 स्टिचेस स्टार्टिंग के बुन लेंगे, फिर 3 फंदों का एक हम सीधा बुनते हुए करेंगे, फिर हमारे इस साइड जो 29 स्टिचेस बच जाएंगे उनको हमें सीधा बुनना है। तो इसी तरह से आगे इस पार्ट को हम जब बुनते जाएंगे तो यहाँ पे जो फंदे हमारे घटते जाएंगे इससे हमारी इस पार्ट की ऐसे शेप बन जाएगी। तो अब 11th रो से हम इसको आगे बुनना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के जो यहाँ के 29 स्टिचेस हैं उनको हमें बुनना है और उनमें हमें बटन स्ट्रिप भी देनी है और डिज़ाइन भी सेट करना है। तो पहले हम 6 फंदे जो हमारे बटन स्ट्रिप के हैं उनको सीधा बुनेंगे, जिसमें से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और नेक्स्ट 5 फंदों को सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक फर्स्ट फंदे को स्लिप करके 5 फंदों को सीधा बुनकर 6 स्टिचेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट 8 फंदों पे हम डिज़ाइन सेट करेंगे, जिसके लिए धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, नेक्स्ट 6 स्टिचेस 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। सिक्स स्टिचेस को सीधा बुन लेने के बाद धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हमने इन 8 फंदों पर डिज़ाइन को सेट कर दिया है। अब आप स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक जो टोटल स्टिचेस काउंट करेंगे, 8 स्टिचेस तो डिज़ाइन के हैं और 6 स्टिचेस हमारे बटन स्ट्रिप के हैं, टोटल 14 स्टिचेस, 14 फंदे हमने यहाँ तक बुन लिए हैं। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट जो 15 स्टिचेस हैं, 15 फंदे हैं, उनको सीधा बुनना है, जिसके लिए धागा हम पीछे लेकर जाएंगे और नेक्स्ट 15 फंदों को हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। 15 फंदों को यहाँ तक सीधा बुन लेने के बाद अब यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक जो हमारे 29 स्टिचेस थे, 29 फंदे थे, उनको हमने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब ये हमारे सेंटर के 3 फंदे आ जाएंगे जिनको हमें सीधा बुनते हुए 3 फंदों का एक बनाना है। तो अब इन 3 फंदों में से जो ये वाला फंदा है सेंटर का, इसको हमें ऐसे लेना है इस सिलाई से और इस पहले फंदे को ऐसे निकाल देना है, फिर इस फंदे को हम इस दूसरी सिलाई में ऐसे शिफ्ट कर लेंगे और ये वाला जो फंदा है इसको हम ऐसे पलटकर इस दूसरी सिलाई में डाल देंगे। अब हमें इन 3 फंदों का बैक लूप से सीधा बुनते हुए एक बनाना है। तो यहाँ पे ऐसे सिलाई को हम पीछे से डालते हुए सीधा बुनते हुए 3 फंदों का एक बना देंगे। इस तरह से 3 फंदों का एक बनाने के बाद अब हमारे पास जो इस साइड स्टिचेस बचे हैं ये हैं 29, 29 फंदे हैं, इनको हमें सीधा बुनना है। इस तरह से इन 29 फंदों को सीधा बुनकर हम इस 11th रो को कंप्लीट कर लेंगे।
इन 29 स्टिचेस को मैंने सीधा बुन लिया है। अब ये हमारी 11th रो बुनकर कंप्लीट हो चुकी है। इस रो में हमने जो ये सेंटर में तीन फंदों का एक बनाया है, तो इसकी वजह से दो फंदे कम हो गए हैं। 61 स्टिचेस हमारे पास स्टार्टिंग में थे, यहाँ पे 11th रो में दो फंदे कम हो जाने से अब टोटल स्टिचेस 59 हैं, 59 फंदे हमारे पास हैं। अब इसके बाद जो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, इसमें जो ये हमारे बटन स्ट्रिप के 6 फंदे और 8 फंदे ये डिज़ाइन के हैं, ये टोटल 14 फंदे हैं, 14 स्टिचेस हैं। इनसे पहले जितने भी फंदे हमारे पास यहाँ पे हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको हमें उल्टा बुनना है। तो अब हम स्टार्टिंग में फर्स्ट फंदा स्लिप करके लास्ट के 14 फंदों से पहले सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। यहाँ तक इन फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है। अब इसके बाद हमारे ये 8 फंदे डिज़ाइन वाले आ जाएंगे। ये जो फंदा सीधा नज़र आ रहा है, धागा पीछे लेकर जाएंगे, इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट ये 6 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। इन 6 स्टिचेस को उल्टा बुन लेने के बाद फिर हमारा ये सीधा फंदा आ गया है, तो धागा पीछे ले जाकर इसे हमें सीधा बुनना है। अब इस फंदे को सीधा बुन लेने के बाद धागा हमारा पीछे ही है, तो अब ये जो हमारे नेक्स्ट 6 स्टिचेस हैं, इनको हमें सीधा बुनना है। इस तरह से हमने ये रॉन्ग साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम राइट साइड 13th रो पर आ जाएंगे। अब इस रो में स्टार्टिंग के जो बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करके नेक्स्ट 5 फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। यहाँ तक हमारे ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो 8 फंदे हैं, इन पे हमें डिज़ाइन सेट करना है। धागा पीछे से हम आगे लेकर आएंगे, एक फंदा ये उल्टा बुनेंगे। इस फंदे को उल्टा बुन लेने के बाद अब धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब हमारे नेक्स्ट ये जो 6 सीधे फंदे हैं, इनमें से स्टार्टिंग के 3 फंदे हमें लेने हैं, और इन 3 फंदों में से जो ये लास्ट का फंदा है, इसको हमें इस तरह से लेना है और इन स्टार्टिंग के दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे उतार देना है। इस तरह से इस फंदे को उतारने के बाद अब एक फंदा हमारा कम हो गया है, तो जब हम यहाँ पे इन फंदों को बुनेंगे तो एक फंदा जाली के थ्रू हम बढ़ा लेंगे। तो अब पहला फंदा ऐसे हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, फिर नेक्स्ट फंदे को जब हम सीधा बुनेंगे तो जाली से हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे इन 3 फंदों पे डिज़ाइन सेट कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो 3 फंदे हैं, इन पे भी हमें सेम एज इट इज़ ऐसे ही डिज़ाइन सेट करना है। नेक्स्ट इन 3 फंदों में से एक फंदा ये लास्ट वाला हम ऐसे लेंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, फिर नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे, तो ऐसे हमारा जाली के थ्रू एक फंदा बढ़ जाएगा। अब इस तरह से हमने इन 6 स्टिचेस पे डिज़ाइन को सेट कर दिया है। अब एक फंदा ये हमारा उल्टा है, तो धागा पीछे से आगे लाएंगे और इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे। अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक टोटल ये 14 फंदे बुन लिए हैं, जिसमें बटन स्ट्रिप के स्टिचेस आ गए हैं, डिज़ाइन के स्टिचेस आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट 14 फंदे सीधे बुन लेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे और इन 14 स्टिचेस को हम सीधा बुन लेंगे। इन 14 स्टिचेस को यहाँ तक सीधा बुन लेने के बाद अब स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक टोटल 28 फंदे 28 स्टिचेस हमने बुन लिए हैं। अब ये हमारा जो 29वां फंदा है, इस फंदे को हमें ये जो सेंटर वाला फंदा है, जो हमने राइट साइड में 3 फंदों का एक किया था 11th रो में, इसके साथ हमें लेना है। एक फंदा ये लेना है और एक फंदा हमें यहाँ के 29 स्टिचेस में से इसके साथ लेना है, फिर 3 फंदों का हमें एक बनाना है। तो हर बार इसी तरह से राइट साइड में हम एक एक फंदा दोनों साइड के फंदों में से इस सेंटर वाले फंदे के साथ लेते जाएंगे। अभी तो हमें ये क्लियर नहीं नज़र आ रहा,
लेकिन जब आप आगे आगे इसको बुनते जाएंगे तो इसकी एक लाइन बनती जाएगी, जिससे हमें क्लियर पता चल जाएगा कि इस फंदे के साथ हमें यहाँ से भी और यहाँ से भी एक फंदा हर राइट साइड में लेते हुए तीन फंदों का एक बनाना है। तो अब देखिए, ये जो हमारे तीन फंदे हैं, इनमें से ये वाला फंदा हम लेंगे इस तरह से, और इस फंदे को निकाल कर ऐसे हम इस सिलाई में शिफ्ट करेंगे, फिर इस फंदे को पलट कर ऐसे हम इस सिलाई में डालेंगे, और फिर जैसे हमने पहले बैक लूप से तीन फंदों को इस तरह से सीधा बुनते हुए तीन फंदों का एक बनाया था, इसी तरह से हम इसको बुन देंगे। तीन फंदों का एक बनाने के बाद अब हमारे पास ये जो फंदे हैं 28 रह गए हैं, 28 फंदे हैं, इनको हम सीधा बुनकर इस 13th रो को कंप्लीट कर लेंगे। इन 28 स्टिचेस को मैंने सीधा बुन लिया है। इस तरह से हमारी ये 13th रो बुनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें भी यहाँ पे जो हमने तीन फंदों का एक बनाया है, दो फंदे कम हो गए हैं, टोटल स्टिचेस अब हमारे पास 57 है, 57 फंदे हैं। इसके बाद जो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, जैसे हमने 12th रो बुनी थी, 12वीं सिलाई बुनी थी, इसी तरह से हमें ये 14th रो बुननी है, जिसमें फर्स्ट फंदा स्लिप करके यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट के ये 14 फंदों से पहले जितने भी फंदे हैं इनको तो हम उल्टा बुनेंगे, फिर इस फंदे को धागा पीछे ले जाकर सीधा बुनेंगे, ये जो सीधा फंदा नज़र आ रहा है, फिर धागा आगे लाकर नेक्स्ट 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाकर इस फंदे को सीधा बुनेंगे, और ये जो हमारे 6 स्टिचेस बटन स्ट्रिप के हैं इनको भी हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से हम इस रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से रॉन्ग साइड की ये 14th रो मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। इसको सेम एज इट इज वैसे ही बुना है जैसे हमने 12th रो को बुना था। आगे जो भी हम रॉन्ग साइड की रोज बुनेंगे उनको भी हमें इसी तरह से बुनते जाना है। ये जो हमारे 14 स्टिचेस हैं, 14 फंदे जिसमें 6 फंदे ये बटन स्ट्रिप के हैं और 8 फंदे ये डिजाइन के, हर रॉन्ग साइड की रो में हमें इनको ऐसे ही बुनते जाना है जैसे 12th और 14th रो में मैंने आपको बुनकर बताया है। इससे पहले के जितने भी फंदे हैं इनको हमें उल्टा बुनना है। अब इस रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद हम राइट साइड की 15th रो पर आ गए हैं। अब 15th रो में स्टार्टिंग के जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके इनको हम सीधा बुन लेंगे। यहां तक इन फंदों को बुन लेने के बाद अब हमारे ये 8 फंदे डिजाइन के आ जाएंगे। अब डिजाइन के लिए जो हमने ये 4 सलाइयां बुनी है, 11th, 12th, 13th और 14th, इन 4 रोज में जैसे यहाँ पे इस डिजाइन को सेट किया है, अब इसको हम रिपीट करेंगे। रिपीट करने के लिए अब देखिए, जैसे हमने 11th रो में बुना था, धागा पीछे से हम आगे लेकर आएंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, नेक्स्ट 6 स्टिचेस, 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे, इन 6 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद फिर नेक्स्ट हमारा उल्टा फंदा है तो धागा पीछे से लाकर इसे हम उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हमने इन 8 फंदों को सेम एज इट इज वैसे ही बुन दिया है जैसे हमने 11th रो में यहाँ पे बुना था। अब इसके बाद धागा हम पीछे लेकर जाएंगे। अब हमें यहाँ पे आगे 13 स्टिचेस, 13 फंदे सीधे बुनने हैं। इन 13 स्टिचेस को मैंने यहां तक सीधा बुन लिया है। अब स्टार्टिंग से लेकर यहां तक टोटल 27 स्टिचेस, 27 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब इसके बाद ये जो हमारा 28वां फंदा है, इस फंदे को हमें इस सेंटर वाले फंदे के साथ यहां पे लेना है और एक फंदा इन फंदों में से इसके साथ लेना है। अब इन तीन फंदों का हमें एक बनाना है। अब इस फंदे को हम ले लेंगे। अब ये लाइन बनती जाएगी जिससे आपको क्लियर इंडिकेशन हो जाएगा कि इस फंदे के साथ हमें यहां से और यहां से लेते हुए तीन फंदों का एक बनाना है। अब इस फंदे को हम ऐसे लेंगे सिलाई में और इस फंदे को निकाल कर इसमें शिफ्ट करेंगे, फिर इसको भी पलट कर दूसरी सिलाई में शिफ्ट कर देंगे। अब हम इन तीनों फंदों को सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। तीन फंदों का एक बनाने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे ये 27 फंदे रह गए हैं, 27 स्टिचेस हैं, इनको हम सीधा बुनकर इस 15th रो को कंप्लीट कर लेंगे। इन 27 स्टिचेस को मैंने सीधा बुन लिया है। अब हमारी ये 15th रो बुनकर कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने यहाँ पे जो सेंटर में तीन फंदों का एक बनाया है तो दो फंदे फिर से कम हो गए। अब हमारे पास टोटल स्टिचेस 55 हैं, 55 फंदे रह गए हैं।
अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड की 16th रो पर आ जाएंगे। अब ये जो रॉन्ग साइड की रो है सेम एज इट इज वैसे ही हम बुनेंगे जैसे हमने 12th और 14th रो बुनी है। फर्स्ट फंदा स्लिप करके यहाँ से लेकर यहाँ तक इन 14 फंदों से पहले सारे फंदों को हमें उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे ले जाकर एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाकर 6 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे ले जाकर इस फंदे को सीधा बुनना है और फिर ये 6 बटन स्ट्रिप के स्टिचेज आ जाएंगे, इनको भी हमें सीधा बुनना है। तो इस तरह से इस रॉन्ग साइड की 16th रो को हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की 16th रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड 17th रो पर आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे स्टार्टिंग के बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को सीधा बुनना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक इन बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को बुन लेने के बाद अब हमारे डिजाइन के ये 8 फंदे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें वैसे डिजाइन सेट करना है जैसे हमने 13th रो में किया था। धागा पीछे से हम आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब ये जो 6 स्टिचेस हैं इन पे हमें डिजाइन सेट करना है। 6 फंदों में से स्टार्टिंग के 3 फंदे हमें लेने हैं और इन 3 फंदों में से इस लास्ट वाले फंदे को इस तरह से लेना है और इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे उतार देना है। फिर हम इस फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, फिर नेक्स्ट फंदे को भी सीधा बुनेंगे। तो ऐसे हमने इन 3 फंदों पे डिजाइन सेट कर दिया है। अब नेक्स्ट 3 फंदों पे भी ऐसे ही डिजाइन सेट करेंगे। इन 3 फंदों में से ये वाला फंदा हम ऐसे लेंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से उतार देंगे, फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे और फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे। तो जैसे हमने 13th रो में डिजाइन को सेट किया था उस रो को हमने यहाँ पे इस डिजाइन में रिपीट कर दिया है। फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा ये उल्टा है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। ऐसे हमने यहाँ पे ये डिजाइन सेट कर दिया है। अब इसके बाद आगे हमें यहाँ पे 12 स्टिचेस 12 फंदे सीधे बुनने हैं। धागा पीछे लेकर जाएंगे और 12 फंदों को सीधा बुन देंगे। इन 12 स्टिचेस को मैंने सीधा बुन लिया है। अब यहां से लेकर यहां तक टोटल ये 26 फंदे हमने बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ ये हमारा जो 27वां फंदा है इस फंदे को हमें इस सेंटर वाले फंदे के साथ लेना है और एक फंदा हमें इन फंदों में से इसके साथ लेना है और इन 3 फंदों का हमें सीधा बुनते हुए एक बनाना है जैसे हर बार राइट साइड में हम बनाते आए हैं। इस फंदे को ऐसे ले लेंगे और इस फंदे को निकाल कर सिलाई में ऐसे डालेंगे, फिर इसको पलट कर इस सिलाई में डालेंगे और फिर इन 3 फंदों को बैक लूप से सीधा बुनते हुए 3 फंदों का एक बना देंगे। इस तरह से 3 फंदों का एक बनाने के बाद अब ये जो हमारे फंदे हैं इस साइड ये 26 हैं, 26 फंदे हैं, इनको हम सीधा बुनकर इस तरह से ये 17th रो राइट साइड की कंप्लीट कर लेंगे। इन फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। अब हमारी 17th रो बुनकर कंप्लीट हो चुकी है। इस रो में हमारे यहाँ पे फिर से 2 फंदे कम हो गए हैं तो टोटल स्टिचेस अब हमारे पास 53 हैं, 53 फंदे हैं। इसके बाद हम रॉन्ग साइड की 18th रो पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की रो को हमें सेम एज इट इज वैसे ही बुनना है जैसे हमने 12th, 14th और 16th रो बुनी है। इस तरह से इस रो को हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस 18th रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम राइट साइड 19th रो पर आ गए हैं। अब आपने ये देखा कि डिजाइन जो है हमने एक बार रिपीट कर दिया है, जैसे 11th से लेकर 11th, 12th, 13th, 14th ये 4 रोज में हमने जैसे डिजाइन सेट किया था ऐसे ही 15th, 16th, 17th और 18th इन रोज में हमने इस डिजाइन को रिपीट कर दिया है। अब इसके बाद जब 19th रो से हम बुनना स्टार्ट करेंगे तो फिर से जैसे हमने 11th, 12th, 13th, 14th ये 4 रोज बुनी थी ऐसे ही इन 4 रोज को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। अब यहाँ से 6 स्टिचेस बटन स्ट्रिप के बुनकर फिर हम एक फंदा ये उल्टा बुनेंगे, फिर 6 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ये जो हमारे फंदे हैं ये अब हमने जैसे इससे पहले वाली रो में 12 फंदे सीधे बुने थे तो अब हम यहाँ पे 11 फंदे सीधे बुनेंगे क्योंकि इनमें से एक फंदा हमें यहाँ पे इन फंदों के साथ इंक्लूड करना है और ये जो हमारे फंदे थे 26 इनमें से भी एक फंदा इसमें हम इंक्लूड करेंगे, फिर 3 फंदों का एक बना लेंगे, फिर ये हमारे 25 फंदे रह जाएंगे, इनको हमें सीधा बुनकर इस तरह से राइट साइड की 19th रो बुननी है और रॉन्ग साइड की रो वैसे बुननी है जैसे हमने और रॉन्ग साइड की रो बुनी है। अब ऐसे ही आपको यहाँ पे राइट साइड की रोज बुनते जाना है जिसमें डिजाइन की ये 4 रोज हम रिपीट करते जाएंगे, ये फंदे हमारे घटते जाएंगे, ये फंदे घटते जाएंगे,
यहाँ पे हर राइट साइड में हम तीन का एक करते जाएंगे और रॉन्ग साइड की रोज वैसे ही बुनते जाएंगे जैसे मैंने आपको और रॉन्ग साइड की रोज बुनकर बताई है। तो इस तरह से जब हम इसको बुनते जाएंगे तो ये जो पार्ट है हमारा इस तरह से आगे जाता जाएगा। देखिए ऐसे हमारे ये जो फंदे हैं घटते जाएंगे और इस तरह से ये शेप यहाँ तक ले लेंगे। हम यहाँ तक इस पार्ट को ऐसे ही बुन लेंगे। यहाँ पे सेंटर वाले फंदे के साथ एक फंदा इस साइड से और एक इस साइड से, हर राइट साइड में तीन फंदों का एक करते हुए हमने यहाँ तक इस पार्ट को बुन लिया है। अब ये भी हमारे फंदे कम हो गए हैं और ये भी। इसी तरह से दोनों साइड से जब हम फंदे इसमें इंक्लूड करते गए तो कम होते होते ये हमारा इस तरह से इस शेप में पार्ट बन गया है। अब हमारे पास यहाँ पे 14 स्टिचेस हैं, 14 फंदे ये हैं जिनमें से 6 फंदे तो बटन स्ट्रिप के हैं और 8 फंदे इस डिज़ाइन के हैं। फिर ये एक फंदा है जो कि हम तीन का एक बनाते आ रहे थे और फिर ये हमारे 14 स्टिचेस हैं। हम राइट साइड पे यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ से जहाँ से 11th रो से हमने डिज़ाइन डालना स्टार्ट किया वहाँ से लेकर यहाँ तक 32 रोज में इतना पार्ट हमारा ये बुनकर कंप्लीट हुआ है। और ये जो डिज़ाइन है इसमें इन होल्स को अगर हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम्स हमने इस चार चार रोज के डिज़ाइन को बुन लिया है। अब यहाँ से इन 29 स्टिचेस से राइट साइड से हम इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्टिंग के जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को सीधा बुनेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करके नेक्स्ट 5 फंदों को मैंने यहाँ तक सीधा बुन लिया है। अब ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस बुन लेने के बाद हमारे ये नेक्स्ट 8 फंदे डिज़ाइन के आ गए हैं तो इनको हमें वैसे ही 4 रोज की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बुनना है। धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, नेक्स्ट ये जो 6 स्टिचेस हैं 6 फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। इन 6 स्टिचेस को सीधा बुन लेने के बाद अब ये हमारा उल्टा फंदा है, धागा आगे लाकर इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ तक स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक टोटल 14 स्टिचेस, 14 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी फंदा नहीं है जो कि हम इस सेंटर वाले फंदे के साथ इंक्लूड करके हम तीन फंदों का एक बना पाए, तो इस साइड से हम कोई भी फंदा नहीं लेंगे। हम धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे। अब यहाँ से इस फंदे को हम इस तरह से लेंगे जो कि हम ये तीन का एक बनाते आ रहे थे, ये अकेला फंदा है, इसको हम ऐसे लेकर पलट कर इस सिलाई पर डाल देंगे। अब इन फंदों में से जो हमारे पास ये 14 फंदे हैं इनमें से एक फंदा इसके साथ इंक्लूड करते हुए बैक लूप से ऐसे हम सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इस तरह से 2 फंदों का एक बनाने के बाद अब हमारे पास ये 13 फंदे बच गए हैं, 13 स्टिचेस हैं, इनको हम सीधा बुनकर इस राइट साइड की रो को कंप्लीट कर लेंगे। इन फंदों को सीधा बुनकर राइट साइड की इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास जो टोटल स्टिचेस हैं वो 28 हैं, 28 फंदे हैं। इसके बाद हम रॉन्ग साइड की रो पर आ जाएंगे। अब रॉन्ग साइड की रो में हमें वैसे ही बुनते जाना है जैसे पहले हम बुन रहे थे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से इन सारे फंदों को, ये जो 14 फंदे हमारे हैं जिसमें बटन स्ट्रिप के और डिज़ाइन के फंदे हैं, इनसे पहले के जितने भी फंदे हैं इनको हमें उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे ले जाकर इस फंदे को सीधा बुनना है, फिर धागा आगे लाकर 6 फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर धागा पीछे ले जाकर इस सीधे फंदे को हम सीधा बुनेंगे और फिर धागा पीछे ही रहने देंगे और नेक्स्ट ये 6 बटन स्ट्रिप के स्टिचेस इनको भी हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से स्ट्रॉन्ग साइड की रो को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड में आ जाएंगे। अब राइट साइड में स्टार्टिंग के जो बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं उनमें से पहला फंदा ऐसे स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। यहां तक इन बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को बुन लेने के बाद हमारे ये नेक्स्ट 8 फंदे आ जाएंगे डिजाइन के। अब इनके लिए हम धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, इस फंदे को उल्टा बुनकर धागा हम पीछे लेकर जाएंगे। अब नेक्स्ट 3 फंदों पे हम डिज़ाइन सेट करेंगे। इस फंदे को ऐसे लेंगे और इन स्टार्टिंग के दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। इसके बाद इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे और नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये 3 फंदों पे डिज़ाइन को सेट कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट 3 फंदों पे फिर से हम ऐसे डिज़ाइन सेट करेंगे।
इस फंदे को ऐसे लेंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से उतार देंगे। फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, नेक्स्ट फंदे को फिर सीधा बुनेंगे। इस तरह से इन तीन फंदों पे भी डिज़ाइन को सेट कर दिया है। अब हमारा ये उल्टा फंदा है जिसके लिए धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। अब इसके बाद ये वाला फंदा आ जाएगा। अब इस फंदे को हमें ऐसे लेना है, पलटकर सिलाई पर इस तरह से डालना है और फिर ये जो धागा हमारा आगे है, क्योंकि हमने ये उल्टा फंदा बुना था, इसको हम पीछे लेकर जाएंगे और इन दो फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। अब ये हमारा लास्ट टाइम हमने यहाँ पे फंदा घटाया है, इसके बाद हमें फंदे नहीं घटाने। इसके बाद ये जो हमारे स्टिचेस हैं ये 12 रह जाएंगे, 12 फंदे रह जाएंगे। इन 12 फंदों को हम सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इन फंदों को सीधा बुनकर राइट साइड की इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास जो टोटल स्टिचेस हैं वो 27 है, 27 फंदे हैं। आगे हमें राइट साइड की रोज में अब कोई भी फंदा नहीं घटाना। इसके बाद जो हम रॉन्ग साइड की रो बुनेंगे, रॉन्ग साइड की इस रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके यहाँ से इन 14 फंदों से पहले जितने भी फंदे हैं इनको हमें उल्टा बुनना है। फिर धागा पीछे ले जाकर इस फंदे को जो सीधा नज़र आ रहा है इसे हमें सीधा बुनना है। फिर धागा आगे लाकर इन 6 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागा पीछे ही रहने देंगे और नेक्स्ट जो ये हमारे 6 बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं इनको भी सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमें रॉन्ग साइड की रोज बुनते जाना है। तो अब हम इस रॉन्ग साइड की रो को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड पर आ जाएंगे। अब हमें यहाँ से राइट साइड से काउंट करते हुए टोटल 4 रोज, 4 सलाइयाँ बुनकर कंप्लीट करनी है। इनमें जो राइट साइड की रोज हम बुनेंगे उनमें फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 5 फंदों को सीधा बुनेंगे। इस तरह से ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस बुन लेंगे। फिर ये जो नेक्स्ट 8 फंदे हमारे डिज़ाइन के हैं इसको डिज़ाइन के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बुन लेंगे। फिर ये नेक्स्ट हमारे 13 फंदे होंगे, इनको हमें सीधा बुनना है। इस तरह से तो हमें राइट साइड की रोज बुननी है। और जो रॉन्ग साइड की रोज है, जैसे मैंने अभी आपको बुनकर बताया था, फर्स्ट फंदा स्लिप करके यहाँ से लेकर यहाँ तक इन 14 फंदों से पहले जितने भी फंदे हैं इनको हमें उल्टा बुनना है। फिर धागा पीछे ले जाकर इस फंदे को सीधा बुनना है। फिर धागा आगे लाकर इन 6 फंदों को उल्टा बुनना है। फिर धागा पीछे ले जाकर इस फंदे को सीधा बुनना है और इन बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को भी सीधा बुनना है। इस तरह से हमें रॉन्ग साइड की रोज बुननी है। तो अब जैसे मैंने आपको राइट साइड और रॉन्ग साइड की रो बताई है, यहाँ से काउंट करते हुए ये टोटल 4 रोज हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड से काउंट करते हुए ये टोटल 4 सिलाइयाँ मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। अब हम जब ये डिज़ाइन के होल्स देखेंगे तो ये देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारे 10 हो गए हैं। अब यहाँ से राइट साइड से जब हम बुनना स्टार्ट करेंगे तो राइट साइड की रो तो हमें वैसे ही बुननी है जैसे मैंने अभी इन 4 रोज में आपको बताया था। अब आगे जो है हम इस तरह से आर्म होल से पहले, इस कटिंग से पहले का ये पार्ट बुनेंगे जिसमें जो ये 13 स्टिचेस हम राइट साइड से सीधे बुन रहे थे, तो राइट साइड से तो हमें इनको सीधा ही बुनना है लेकिन रॉन्ग साइड से हमें इनको उल्टा बुनना है। तो अब हम यहाँ से इस पार्ट को बुनना स्टार्ट करेंगे जिसमें स्टार्टिंग के जो बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, पहला फंदा इस तरह से स्लिप करके नेक्स्ट 5 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक इन बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को बुन लेने के बाद डिज़ाइन के ये 8 फंदे वैसे ही बुनने हैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, फिर नेक्स्ट 6 स्टिचेस सीधे बुनेंगे। इन 6 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। नेक्स्ट ये हमारे 13 फंदे हैं, इनको हमें सीधा ही बुनना है। इस तरह से हमने ये राइट साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब रॉन्ग साइड में हमें फर्स्ट फंदा स्लिप करके यहां तक इस सीधे फंदे तक सारे फंदों को सीधा बुनना है। अब जिस तरह से ये रॉन्ग साइड की रो मैं आपको बुनकर बताऊंगी, इसी तरह से आगे भी रॉन्ग साइड की रोज हमें बुननी है। फर्स्ट फंदे को ऐसे हम स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को सीधा बुनेंगे। यहाँ तक इस सीधे फंदे तक हमने इन सारे फंदों को सीधा बुन लिया है।
अब हमारे ये 6 फंदे हैं जिनको हमें उल्टा बुनना है, तो धागा हम पीछे से आगे लेकर आएंगे और इन 6 स्टिचेस को, 6 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। इन 6 स्टिचेस को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर इस सीधे फंदे को हमें सीधा बुनना है और ये जो हमारे 6 फंदे बटन स्ट्रिप के हैं इनको भी हम सीधा बुनकर इस रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब जो भी आगे हम रॉन्ग साइड की रोज बुनेंगे उन रोज को हमें बिल्कुल इस तरह से बुनना है जैसे हमने इस रो को बुना है। अब इसके बाद हम राइट साइड पर आ जाएंगे। राइट साइड की रो को जो मैंने अभी आपको बुनकर बताई थी ऐसे ही हमें बुनते जाना है। जो हमारे 6 फंदे बटन स्ट्रिप के हैं फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हमें सीधा बुनना है, फिर हमारे ये 8 फंदे डिज़ाइन के आ जाएंगे, डिज़ाइन की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें इनको बुनना है, फिर ये 13 फंदे जो आएंगे हमारे इनको हमें सीधा बुनना है। ऐसे ही राइट साइड की रोज बुननी है। और रॉन्ग साइड की रो जैसे अभी ये रो हमने बुनकर कंप्लीट की थी जिसमें फर्स्ट फंदा स्लिप करके यहाँ तक इस सीधे फंदे तक सारे फंदों को हमने सीधा बुना था, फिर धागा आगे लाकर इन 6 फंदों को उल्टा बुना, फिर धागा पीछे ले जाकर इस फंदे को सीधा बुना और इन बटन स्ट्रिप के फंदों को सीधा बुना। ऐसे ही हमें यहाँ पे रॉन्ग साइड की रोज बुननी है। तो अब यहाँ से काउंट करते हुए टोटल 8 रोज 8 सलाइयाँ हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड से काउंट करते हुए टोटल ये 8 रोज मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब जब आप ये उल्टी उल्टी लाइंस देखेंगे यहाँ पे तो ये आपको 5 नजर आएंगी। इन 5 में से ये जो एक उल्टी लाइन है ये तो जब मैंने आपको राइट साइड और रॉन्ग साइड की रो बुनकर बताई थी तब आ गई थी। इसके बाद जब हमने ये 8 रोज बुनी तो ये 4 उल्टी उल्टी लाइंस और आ गई। तो इस तरह से यहाँ तक इन रोज को कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पे स्टिचेस बाइंड ऑफ करनी है। लेकिन यहाँ से हम राइट साइड से तो इन स्टिचेस को बाइंड ऑफ नहीं कर सकते, वो हम रॉन्ग साइड से करेंगे। तो ये जो हमारी राइट साइड की रो है इसको हम वैसे ही बुन लेंगे जैसे अभी तक हम ये राइट साइड की रोज बुनते हुए आए थे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट जो बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं उनको सीधा बुनेंगे। इन फंदों को यहां तक बुन लेने के बाद इन डिजाइन के फंदों पे हम डिजाइन सेट करेंगे। यहाँ तक इन फंदों को बुन लेने के बाद धागा पीछे से आगे लाकर एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब इस तरह से डिज़ाइन की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इन 8 फंदों पे हमने डिज़ाइन को सेट कर दिया है, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, इन 13 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। राइट साइड की इस रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब रॉन्ग साइड में हमें स्टार्टिंग के 7 फंदे क्लोज करने हैं, जिसके लिए स्टार्टिंग के 2 फंदों को हम ऐसे इकट्ठा एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इस फंदे को दोबारा से ही सिलाई मिलेंगे एक और इसके साथ इंक्लूड करेंगे, फिर से उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। ऐसे हमने 2 फंदे क्लोज कर दिए हैं, इसी तरह से हम टोटल 7 फंदे क्लोज कर देंगे। इस फंदे को दोबारा से ही सिलाई मिलेंगे एक और इसके साथ इंक्लूड करेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। ऐसे हम इन फंदों को क्लोज कर देंगे। 7 फंदों को मैंने क्लोज कर दिया है। अब इस फंदे को हम इस सिलाई में रहने देंगे, धागा आगे से पीछे लेकर जाएंगे। अब हमारे पास ये नेक्स्ट 5 फंदे ये हैं और एक ये सीधा फंदा है। टोटल इन 6 स्टिचेस को हमें सीधा बुनना है। यहां तक इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब धागा पीछे से हम आगे लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट ये 6 स्टिचेस हैं, 6 फंदे हैं, इनको हमें उल्टा बुनना है। इन 6 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे और फिर हमारे ये 6 फंदे बटन स्ट्रिप के हैं इनको भी सीधा बुनकर इस तरह से स्ट्रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास यहाँ पे ये 27 स्टिचेस थे, 27 फंदे थे,
उनमें से 7 फंदे इस रॉन्ग साइड की रो में हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे क्लोज कर दिए हैं। अब हमारे पास ये स्टिचेस 20 रह गए हैं, 20 फंदे हैं। इन फंदों के साथ आगे हम इस पार्ट को सेम एज इट इज वैसे ही बुनते जाएंगे, राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी, जैसे हम यहाँ पे इन फंदों को बुन रहे थे 27 स्टिचेस पर। तो अब यहाँ से इन 20 स्टिचेस पे भी हम ऐसे ही इसको बुनेंगे। राइट साइड की रोज में देखिए, फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं उनको हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ तक जब ये 6 फंदे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर 8 फंदे ये जो डिज़ाइन के आएंगे, डिज़ाइन के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इनको हम बुन लेंगे। फिर यहाँ पे ये हमारे पास अब 6 फंदे बच गए हैं, 6 स्टिचेस हैं, इनको हम धागा पीछे ले जाकर सीधा बुन लेंगे। इस तरह तो हम राइट साइड की रो बुनेंगे, और जो रॉन्ग साइड की रोज हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट जो ये हमारे 5 फंदे हैं और एक ये सीधा फंदा, 6 फंदे इनको हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। नेक्स्ट ये 6 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर ये फंदा सीधा बुनेंगे और 6 फंदे हमारे ये जो बटन स्ट्रिप के हैं इनको सीधा बुनेंगे। इस तरह से हम रॉन्ग साइड की रोज बुनेंगे। तो अब हम राइट साइड से और रॉन्ग साइड से इन 20 स्टिचेस पे इस तरह से बुनते हुए इस पार्ट को आगे कंप्लीट करेंगे। अब हमारा ये जो पार्ट है ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से 20 स्टिचेस पर आगे इस पार्ट को अब हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस पार्ट को मैंने यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। स्टिचेस बाइंड ऑफ करने के बाद जब राइट साइड से हमने इसको बुनना स्टार्ट किया, वहाँ से काउंट करते हुए यहाँ तक टोटल 40 रोज 40 सिलाइयों में ये हमारा पार्ट बुनकर कंप्लीट हुआ है। इसको अगर हम मेज़र करें तो मेज़रमेंट में यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 4 इंच हमने बुना है। अब इसके बाद हम राइट साइड पर आ गए हैं। राइट साइड में ये जो हमारे पास 20 स्टिचेस हैं, अब इनको हम सीधा बुनते हुए 18 फंदे बना लेंगे। ये जो हम फंदे सीधे बुन रहे हैं, ये तो हम 6 फंदे सीधे बुन ही रहे थे, यहाँ भी सीधे फंदे बुन रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो ये 2 हमारे उल्टे फंदे थे, 6 फंदे ये तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम सीधा बुन ही रहे थे, लेकिन ये जो भी उल्टा फंदा यहाँ पे और यहाँ पे है, इनको हम इसके 7 वाले फंदे के साथ लेते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। इस तरह से हम इस राइट साइड की रो को बुन लेंगे और 2 फंदे हमारे कम हो जाएंगे। तो अब फर्स्ट फंदा स्लिप करके सीधा सीधा बुनते हुए इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक ये 6 स्टिचेस बुन लेने के बाद अब ये जो उल्टा फंदा है, इस फंदे को हम इस फंदे के साथ ऐसे लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। नेक्स्ट फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। यहां तक इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब ये हमारा उल्टा फंदा है, ये सीधा फंदा है, इस फंदे को ऐसे पलटकर इस तरह से इस सिलाई में हम डाल देंगे और फिर बैक लूप से 2 फंदों का एक बना देंगे सीधा बुनते हुए। अब ये हमारे 6 स्टिचेस हैं, इनको भी हम सीधा बुन लेंगे। इस रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास टोटल स्टिचेस 18 हो गए हैं, 18 फंदे हो गए हैं। अब ये जो पार्ट है हमारा कंप्लीट हो चुका है, आगे हमें इसको नहीं बुनना। जैसे हमने फ्रंट के इस पार्ट को बुनकर कंप्लीट किया है, अब हम फ्रंट का दूसरा पार्ट बुनेंगे। फ्रंट के दूसरे पार्ट को बुनने के लिए इसी तरह से हमें 61 स्टिचेस कास्ट ऑन करके फर्स्ट फंदा स्लिप करके दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए स्टार्टिंग में 10 रोज कंप्लीट करनी है। यहाँ पे हमने बटन स्ट्रिप के लिए और ये डिज़ाइन के स्टिचेस को स्टार्टिंग में रखा है, लेकिन जो दूसरा पार्ट हम बुनेंगे उसमें हम बटन स्ट्रिप के स्टिचेस और डिज़ाइन के स्टिचेस यहाँ पे रखेंगे, इन 14 फंदों पे यहाँ पे हम बनाएंगे। तो अब दूसरे पार्ट को बुनने के लिए पहले हम 61 स्टिचेस कास्ट ऑन करके इन 10 रोज में से 7 रोज दोनों साइड से सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फ्रंट के दूसरे पार्ट को बुनने के लिए मैंने 61 स्टिचेस कास्ट ऑन करके फर्स्ट फंदा स्लिप करके दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए टोटल ये 7 रोज 7 सिलाइयां बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। अब हम 8th रो पर आ जाएंगे, ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। इसमें हम यहाँ पे जो बटन स्ट्रिप के लिए स्टिचेस यहाँ रखेंगे 6 फंदे, उन पे हम यहाँ बटन होल बनाएंगे। तो बटन होल बनाने के लिए देखिए, जो स्टार्टिंग में हमारे 4 फंदे हैं उनमें से फर्स्ट फंदा स्लिप करके ऐसे नेक्स्ट 3 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके 3 फंदों को यहां तक बुन लेने के बाद टोटल जो बटन स्ट्रिप के स्टिचेस है हमारे 6 हैं। तो अब हम क्या करेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आ जाएंगे।
इस धागे को आगे लाकर नेक्स्ट जो दो फंदे हैं इनको इकट्ठा लेंगे बैक लूप से, ऐसे सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक बना देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे एक बटन होल बना दिया है। अब ये हमारी 8th रो है, रॉन्ग साइड की रो, जिसमें हमने यहाँ पे बटन होल बनाया है। अब इसके बाद ऐसे ही सीधा सीधा बुनते हुए हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। फिर जब हमारी 8th रो कंप्लीट हो जाएगी, फिर 9th रो और 10th रो, ये हम फर्स्ट फंदा स्लिप करके दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए टोटल ये 10 रोज 10 सलाइयां मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। अब हम 11th रो से यहाँ पे डिज़ाइन को सेट करते हुए आगे इस पार्ट को बुनेंगे। जैसे हमने इस पार्ट को 11th रो से बुनना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ये 14 फंदों पे बटन स्ट्रिप और डिज़ाइन को सेट किया है, तो यहाँ ये जो 14 स्टिचेस हैं वो हम इस साइड बुनेंगे। तो इसके लिए देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग में ये जो हमने 29 स्टिचेस बुने हैं, 29 फंदे सीधे बुने हैं, तो वो हम यहाँ पे 11th रो से स्टार्टिंग में बुनेंगे। तो अब यहाँ फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 28 स्टिचेस, टोटल 29 फंदे हम बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके 28 फंदे हम ऐसे सीधा बुनेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये 29 स्टिचेस मैंने बुन लिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो ये 3 फंदे हैं इनको हमें सीधा बुनते हुए 3 फंदों का एक बनाना है। अब ये नेक्स्ट 3 फंदों में से ये फंदा हम इस तरह से लेंगे और इस फंदे को सिलाई में शिफ्ट करेंगे, फिर इस फंदे को पलटकर सिलाई में ऐसे शिफ्ट कर देंगे, फिर ऐसे 3 फंदों को बैक लूप से सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। जैसे हमने पहले इस पार्ट में बनाया था ये वाला जो पार्ट था, तो ऐसे ही अब हमें इसको करना है। 3 फंदों का एक बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट 15 फंदे 15 स्टिचेस सीधा बुन लेंगे। यहां तक इन 15 फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। अब इसके बाद 8 फंदों पे हम डिजाइन सेट करेंगे, जिसके लिए धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर 6 स्टिचेस 6 फंदे सीधे बुनेंगे। इन 6 स्टिचेस को सीधा बुन लेने के बाद धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब ये 6 स्टिचेस हमारे बटन स्ट्रिप के हैं, इन 6 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की 11th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। जैसे हमने पहले इस पार्ट को बुना था, सेम एज इट इज ऐसे इस पार्ट को अब हम बुनेंगे। सिर्फ एक ही डिफरेंस आएगा, देखिए यहाँ पे जो ये हम 14 फंदों पे 6 फंदे बटन स्ट्रिप के और 8 फंदे डिज़ाइन के यहाँ से स्टार्टिंग से बुन रहे थे, वो हम यहाँ पे एंड में बुनेंगे। तो जो हमने ये 3 फंदों का एक किया है, इससे इस साइड जो ये हमारे 29 फंदे हैं, ये वाले फंदे हैं। जैसे हम यहाँ पे इनको बुनते जा रहे थे, ऐसे हमें यहाँ पे इनको बुनना है। और ये जो पोर्शन है हमारा प्लेन वाला पोर्शन 29 फंदों पे, वो हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ से जब 11th रो से इसको बुनना स्टार्ट किया, पहले ये 29 फंदे सीधे बुने, फिर 3 फंदों का एक किया, फिर ये जो हमारे 15 स्टिचेस थे इनको हमने पहले यहाँ पे बुन लिया सीधा, और फिर ये जो हमारे 14 स्टिचेस थे जिसमें से 8 फंदे डिज़ाइन के पहले इनको बुना, और फिर 6 फंदे बटन स्ट्रिप के इनको बुना। तो इस तरह से होगा बिल्कुल सेम ही, लेकिन इस तरह ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब 11th रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद हम रॉन्ग साइड की 12th रो पर आ गए हैं। अब रॉन्ग साइड की 12th रो में जो 14 फंदे हैं वो हमें देखें किस तरह से बुनने हैं। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट 5 फंदों को सीधा बुनेंगे, टोटल ये 6 बटन स्ट्रिप के स्टिचेस जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर ये 8 फंदे हमारे डिज़ाइन के आएंगे, जिसमें से ये जो पहला फंदा है ये सीधा नज़र आ रहा है, तो इसको धागा पीछे रखते हुए ही हमें सीधा बुनना है। फिर धागा पीछे से हम आगे लेकर आएंगे, फिर ये जो हमारे 6 फंदे हैं इनको हमें उल्टा बुनना है, फिर ये नेक्स्ट फंदा सीधा है तो धागा पीछे ले जाकर इसको हमें सीधा बुनना है। इस तरह से हमें हर बार रॉन्ग साइड में इन 14 फंदों को बुनना है, फिर धागा आगे लाकर जितने भी हमारे ये फंदे हैं इनको हमें उल्टा बुनना है। हर बार रॉन्ग साइड की रो हम इस तरह से बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से अब इस रॉन्ग साइड की रो को हम बुन लेते हैं। रॉन्ग साइड की इस 12th रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 13th रो पर आ गए हैं। अब हमें स्टार्टिंग में यहाँ पे 28 स्टिचेस 28 फंदे सीधे बुनने हैं। इन 28 फंदों में से जो पहला फंदा है वो तो हम स्लिप कर लेंगे,
ऐसे और नेक्स्ट फंदों को सीधा बुनेंगे। यहां तक इन 28 स्टिचेस को बुन लेने के बाद अब हमें यहां पे ये एक फंदा इस सेंटर वाले फंदे के साथ जो हमने 11th रो में राइट साइड में तीन फंदों का एक बनाया था, ये वो वाला फंदा है। इस फंदे के साथ एक फंदा तो यहां से लेना है और एक फंदा इन फंदों में से लेना है। तो अब हमें इन तीन फंदों का सीधा बुनते हुए एक बनाना है। जैसे हमने पहले बनाया था, इस सेंटर वाले फंदे को हम ऐसे लेंगे, इस फंदे को निकाल कर सिलाई में ऐसे शिफ्ट करेंगे, इसको पलट कर फिर ऐसे डाल देंगे। अब इन तीन फंदों को बैक लूप से सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। अब तीन फंदों का एक बनाने के बाद अब हमने 11th रो में यहाँ पे 15 स्टिचेस 15 फंदे सीधे बुने थे, अब ये हमारे 14 फंदे रह गए हैं। तो अब इन 14 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक इन 14 स्टिचेस को मैंने सीधा बुन लिया है। अब इसके बाद हमारे 8 स्टिचेस 8 फंदे ये डिज़ाइन के आ गए हैं, तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, एक फंदा ये जो उल्टा नज़र आ रहा है इसे हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब हमें नेक्स्ट ये जो 6 स्टिचेस हैं इन पे डिज़ाइन सेट करना है। इन 6 फंदों में से स्टार्टिंग के ये तीन फंदे लेंगे, इस फंदे को लास्ट वाले फंदे को ऐसे इन दोनों फंदों के ऊपर से उतार देंगे और फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे। तो ऐसे हमने इन तीन फंदों के तीन बनाकर डिज़ाइन सेट कर दिया है। अब नेक्स्ट जो ये तीन सीधे फंदे हैं इनमें से भी ये लास्ट वाला सीधा फंदा हम लेंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे उतार देंगे, फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, फिर इस फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे। तो ये भी हमने तीन फंदों पर डिज़ाइन सेट कर दिया है। अब इन 6 फंदों को बुन लेने के बाद फिर ये हमारा उल्टा फंदा है, धागा पीछे से आगे लाएंगे, इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। इस तरह से इन 8 फंदों पर डिज़ाइन को सेट करने के बाद अब धागा पीछे लेकर जाएंगे, ये हमारे 6 स्टिचेस बटन स्ट्रिप के आ जाएंगे, इनको हमें सीधा बुनना है। इस तरह से हमने ये राइट साइड की 13th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब इस रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद हम रॉन्ग साइड की 14th रो पर आ गए हैं। इस 14th रो को सेम एज इट इज हमें वैसे ही बुनकर कंप्लीट करना है जैसे हमने 12th रो को बुना था। स्टार्टिंग के ये जो 14 फंदे हैं इनमें ये जो 6 फंदे बटन स्ट्रिप के हैं इनमें से पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर ये जो सीधा फंदा नज़र आ रहा है इसको भी हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, नेक्स्ट ये जो 6 स्टिचेस हैं 6 फंदे हैं इनको उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, ये सीधा फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाकर सारे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हम रॉन्ग साइड की रो को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे हम इस रो को बुन लेते हैं। जो भी रॉन्ग साइड की रोज हम बुनेंगे इसी तरह से हमें बुनकर कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड की इस 14th रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 15th रो पर आ गए हैं। अब आप ये देखेंगे कि ये जो हमारा पार्ट है ये क्लियर आपको नज़र आने लग जाएगा, जो तीन फंदों का हम एक करते जा रहे हैं। यहाँ के ये जो फंदे हैं, पहले हमने 11th रो में 29 फंदे सीधे बुने थे, फिर 13th रो में हमने 28 स्टिचेस सीधे बुने, फिर अब जब ये 15th रो बुनेंगे इसमें हम 27 स्टिचेस 27 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर इन फंदों में से जो एक फंदा है इस सेंटर वाले फंदे के साथ जो हम तीन का एक करते जा रहे थे इसके साथ हम इन फंदों में से इंक्लूड कर लेंगे और यहाँ से भी इंक्लूड कर लेंगे, फिर तीन का एक बनाएंगे। और ये जो फंदे हैं पहले 15 थे, फिर 14, फिर ये 13 हो जाएंगे, फिर 12, 11, ऐसे ही हर राइट साइड की रो में हम यहाँ पे एक एक फंदा दोनों साइड से लेते हुए इन तीन फंदों का एक करते जाएंगे। और ये डिज़ाइन की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 4-4 रोज का डिज़ाइन है, वो अभी मैंने जो आपको बुनकर बताया है ऐसे ही 8 फंदों पे डिज़ाइन को बुनते जाएंगे। और इस तरह से आगे हम इस पार्ट को सेम एज इट इज इस पार्ट की तरह बुन लेंगे। जैसे हम इस पार्ट को बुनते जा रहे थे ऐसे यहां तक इन फंदों को घटाते हुए हम इस पार्ट को भी ऐसे ही बुन लेंगे। इस पार्ट को मैंने यहां तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। यहां पे सेंटर वाले फंदे के साथ एक फंदा इन फंदों में से और एक इनमें से, हर राइट साइड में तीन फंदों का एक बनाते हुए इस पार्ट को हमने यहां तक बुन लिया है। अब ये जो हम जब इन तीन फंदों का एक हर राइट साइड में बुनते गए तो ये हमारे फंदे दोनों साइड से घटते चले गए। और ये जो हमने डिज़ाइन बुना है 4-4 रोज का रिपीटेशन इसी तरह से करते हुए इस डिज़ाइन को बुन लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 29 स्टिचेस है, 29 फंदे हैं जिसमें से 14 फंदे तो ये हैं,
एक फंदा ये है जो हर राइट साइड पे हम तीन फंदों का एक करते आ रहे थे, और 14 फंदे ये हैं जिसमें 6 फंदे बटन स्ट्रिप के और 8 फंदे डिज़ाइन के। तो अब हम यहाँ से राइट साइड से जब इसको बुनना स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे जब ये 14 फंदे हमारे पास इस साइड रह गए थे, तो ये जो 14 फंदे हैं हमारे पास इस साइड रह गए हैं। तो अब इन फंदों में से हम इस सेंटर वाले फंदे के साथ फंदा इंक्लूड करते हुए नहीं घटाएंगे, इन 14 फंदों में से एक फंदा हम इस फंदे के साथ लेंगे और राइट साइड में 2 फंदों का एक कर देंगे। तो अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे 2 बार ये राइट साइड में एक एक फंदा इन फंदों में से लेकर यहाँ पे घटाया था, ऐसे ही हम यहाँ पे इसको बुनेंगे। तो अब राइट साइड की इस रो को बुनना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में फर्स्ट फंदा स्लिप करके 12 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके इन 12 स्टिचेस को मैंने सीधा बुन लिया है। टोटल ये हमारे 13 स्टिचेस हैं, 13 फंदे हैं। अब इसके बाद ये वाला हमारा वो फंदा है जो हम तीन का एक हर राइट साइड में कर रहे थे, इसके साथ ये फंदा हम लेंगे। अब इसको हम ऐसे लेंगे, इस तरह से सिलाई को डालते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इस तरह से 2 फंदों का एक बनाने के बाद अब धागा आगे लेकर आएंगे। अब ये जो हमारे 8 फंदे हैं डिज़ाइन की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, इनको बुन लेंगे, और ये जो फंदे बटन स्ट्रिप के हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। तो ये फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, नेक्स्ट 6 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, इसके लिए धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और इन 6 फंदों को सीधा बुनेंगे। इस तरह से इस रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद हम रॉन्ग साइड की रो पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की रो को हम वैसे ही बुनेंगे जैसे हर बार हम बुनते जा रहे थे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके इन फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर इस सीधे फंदे को भी सीधा बुनेंगे, धागा आगे लाकर 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे ले जाकर इस फंदे को सीधा बुनेंगे और धागा आगे लाकर इन फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से इस रो को हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हम राइट साइड पर आ जाएंगे। अब हमें यहाँ से ये जो फंदे हैं 13 रह गए हैं, 13 स्टिचेस हैं, इनमें से एक फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 11 फंदों को हमें सीधा बुनना है। फिर यहाँ से एक फंदा ये हम लेंगे इस फंदे के साथ जो हमने 2 का एक राइट साइड में बनाया था, फिर से इन दोनों को इकट्ठा एक साथ सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। और फिर इसके बाद इन 8 फंदों को डिज़ाइन की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बुनकर फिर 6 फंदों को हम जो बटन स्ट्रिप के हैं सीधा बुनेंगे। इस तरह से इस राइट साइड की रो को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, और रॉन्ग साइड की रो ऐसे ही बुनेंगे जैसे अभी मैंने आपको ये रो बुनकर बताई है। तो ऐसे हम इन दोनों रोज़ को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, राइट साइड की और रॉन्ग साइड की। इन दोनों रोज़ को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास जो टोटल स्टिचेस हैं वो 27 रह गए हैं, 27 फंदे हैं। 13 फंदे तो ये हैं हमारे पास, और 14 फंदे ये जिसमें 6 फंदे बटन स्ट्रिप के और 8 फंदे डिज़ाइन के। अब इन 27 स्टिचेस से आगे का पार्ट हम बुनेंगे, जिसमें हमें आगे यहाँ पे राइट साइड की रोज़ जो बुननी है, फर्स्ट फंदा स्लिप करके यहाँ तक इन फंदों को सीधा बुनना है। फिर ये जो हमारे 8 फंदे डिज़ाइन के आ जाएंगे, डिज़ाइन के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इनको बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाकर 6 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से तो हम राइट साइड की रोज़ बुनेंगे, और रॉन्ग साइड की रोज़ वैसे ही बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके इन 5 फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, फिर ये 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, ये सीधा फंदा नज़र आ रहा है इसे हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाकर इन फंदों को उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हम रॉन्ग साइड की रोज़ बुनेंगे। तो अब यहाँ से काउंट करते हुए टोटल ये 4 रोज़ हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड से काउंट करते हुए ये 4 रोज़, 4 सलाइयाँ मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद अब हम 10 रोज़ और बुनेंगे इन्हीं 27 स्टिचेस पर। 10 रोज़ में हमें यहाँ पे राइट साइड में उल्टी उल्टी लाइंस का पैटर्न देना है, गार्टर स्टिच देना है इस तरह का, जिसके लिए हम यहाँ से राइट साइड से तो वैसे ही बुनते जाएंगे जैसे मैंने अभी इन 4 रोज़ में आपको बताया। फर्स्ट फंदा स्लिप करके इन सारे फंदों को सीधा बुनेंगे, इन 8 फंदों को डिज़ाइन की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाकर इन 6 फंदों को सीधा बुनेंगे। ऐसे ही हम राइट साइड की रो बुनेंगे, और जो रॉन्ग साइड की रोज़ बुनेंगे, फर्स्ट फंदा स्लिप करके इन फंदों को सीधा बुनेंगे,
फिर इस फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा पीछे से आगे लाकर ये 6 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाकर इस फंदे को सीधा बुनेंगे और ये जो फंदे अभी तक हम उल्टे बुनते आ रहे थे इनको अब हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से अब हम रॉन्ग साइड की रोज बुनेंगे। अब इस तरह से यहाँ से काउंट करते हुए, जैसे मैंने अभी आपको राइट साइड और रॉन्ग साइड की रोज बताई है, टोटल 10 रोज जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो इस तरह का गार्टर स्टिच का पैटर्न यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे हमारा ये पार्ट बुन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से काउंट करते हुए टोटल ये 10 रोज हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड से काउंट करते हुए टोटल ये 10 सिलाइयाँ मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। अब हम यहाँ पे राइट साइड से जब इन उल्टी उल्टी लाइंस को काउंट करेंगे तो ये 5 नज़र आएंगी, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये जो हमारे पास 27 स्टिचेस हैं, इनमें से स्टार्टिंग के 7 स्टिचेस, 7 फंदों को हम क्लोज कर देंगे। इसके लिए 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, ऐसे बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इस फंदे को दोबारा से इस सिलाई में लेंगे, एक और इसके साथ इंक्लूड करेंगे, फिर 2 फंदों का एक बना देंगे सीधा बुनते हुए। फिर इस तरह से इस फंदे को इस सिलाई में लेकर एक और इंक्लूड करके फिर 2 फंदों का एक बना देंगे। इस तरह से 3 फंदे मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिए हैं, ऐसे ही 4 फंदे और हम क्लोज कर देंगे। इन 7 स्टिचेस को क्लोज करने के बाद इस फंदे को हम इस सिलाई में रखेंगे, धागा पीछे रहेगा। नेक्स्ट ये जो 5 फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद हमारे ये डिज़ाइन के फंदे आ जाएंगे और ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, तो इनको हम डिज़ाइन के फंदों को सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बुनकर और ये जो बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं इनको सीधा बुनकर इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने इस राइट साइड की रो को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास यहाँ पे 27 स्टिचेस थे, 27 फंदे थे, जिनमें से 7 फंदे स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने क्लोज कर दिए हैं। अब हमारे पास टोटल 20 स्टिचेस बचे हैं, 20 फंदे हैं। अब इन 20 फंदों से आगे का पार्ट हम इस पार्ट की तरह आगे बुन लेंगे, इतना ही जैसे हमने इस पार्ट को बुना है। राइट साइड से जो रोज हम बुनेंगे, फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 5 फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर हमारे ये डिज़ाइन के फंदे आ जाएंगे, डिज़ाइन की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इन 8 फंदों को बुनकर धागा पीछे ले जाएंगे और फिर ये बटन स्ट्रिप के 6 फंदे सीधे बुन लेंगे। इस तरह से तो हमें राइट साइड की रोज बुननी है। और जो रॉन्ग साइड की रोज बुनेंगे, फर्स्ट फंदा स्लिप करके इन 5 फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर ये फंदा जो सीधा है इसको सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाकर ये 6 स्टिचेस, 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे ले जाकर इस फंदे को सीधा बुनेंगे जो सीधा फंदा नज़र आ रहा है, और फिर ये जो हमारे 6 फंदे हैं इनको भी हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से हम रॉन्ग साइड की रोज बुनेंगे। तो अब राइट साइड और रॉन्ग साइड से जैसे मैंने आपको बताया है, इस तरह से बुनते हुए हम इस पार्ट को सेम एज इट इज़ इतना बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस दूसरे फ्रंट पार्ट को भी मैंने यहाँ से इस पार्ट के इक्विवेलेंट बुन लिया है और यहाँ पे स्टिचेस रिड्यूस करके 18 कर दिए हैं। अब इसके बाद आगे हम जो बैक पार्ट बुनेंगे वो इन दोनों पार्ट को इकट्ठा एक साथ लेते हुए यहाँ पे स्टिचेस कास्ट ऑन करके आगे बैक पार्ट इसका कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए हम इस वाले पार्ट को ले लेंगे ऐसे रॉन्ग साइड से, क्योंकि राइट साइड तक यहाँ तक हम इसको बुन चुके थे। अगर आपने यहाँ पे थ्रेड कट कर दिया है तो उसको आप अटैच कर लें। अब यहाँ से इसको जब हम बुनना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट फंदा स्लिप करके यहाँ तक इन सारे फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सारे फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब हम टर्न करके ऐसे राइट साइड में आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे 14 फंदे, 14 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं, जिसके लिए ये जो पहला फंदा है इसको हम ऐसे सीधा बुनेंगे, ऐसे ये लूप ड्रॉ करके इसको इस तरह से सिलाई में डाल देंगे। एक फंदा कास्ट ऑन हो गया है, अब इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर से एक लूप ड्रॉ करेंगे, ऐसे इस सिलाई में डाल देंगे। ऐसे 2 फंदे कास्ट ऑन हो गए हैं, इसी तरह से हम टोटल 14 फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। फोर्टीन स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब इसको टर्न करके हम ऐसे रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट है फ्रंट का, उसको हम लेंगे रॉन्ग साइड से ही। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा थ्रेड मैंने कट कर दिया था जब इस पार्ट को कंप्लीट किया था। तो अब इसके बाद
धागे को हम पीछे रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सारे फंदों को हम सीधा बुन देंगे। यहाँ तक इन फंदों को सीधा बुनकर इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास 18 स्टिचेस तो इस पार्ट में हैं, 18 इस पार्ट में, और 14 स्टिचेस यहाँ पे हैं। टोटल ये 50 स्टिचेस हैं, 50 फंदे हमारे पास हो गए हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पे राइट साइड में आ गए हैं। अब फर्स्ट फंदा स्लिप करके राइट साइड से भी हमें इन सारे फंदों को सीधा बुनना है, और रॉन्ग साइड में भी फर्स्ट फंदा स्लिप करके हमें सारे फंदों को सीधा बुनना है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे ऐसे टोटल 8 रोज, 8 सलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे हम यहाँ से काउंट करते हुए दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए 8 रोज कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड से काउंट करते हुए दोनों साइड से सीधा सीधा बुनकर ये 8 सलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे 9th रोज से जब राइट साइड से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे, तो राइट साइड के जो रोज हम बुनेंगे फर्स्ट फंदा स्लिप करके सारे फंदों को सीधा बुनेंगे, इसी तरह से बुननी है। लेकिन जो रॉन्ग साइड की रोज हम बुनेंगे इसमें हम फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 5 फंदों को सीधा बुनेंगे। टोटल ये 6 फंदे हमें यहाँ पे बुनने हैं। फिर इसके बाद धागा आगे लाकर 38 स्टिचेस, 38 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। फिर धागा पीछे ले जाकर लास्ट के ये जो 6 फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। इट मीन्स दोनों साइड हमें ये 6-6 फंदे इस तरह से इस पैटर्न में लेकर आने हैं। अब रॉन्ग साइड में हम इसको ऐसे बुनेंगे। तो यहाँ से राइट साइड की रो को फर्स्ट फंदा स्लिप करके हम सीधा बुन लेंगे। राइट साइड की इस रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब रॉन्ग साइड में हमें स्टार्टिंग में 6 फंदे बुनने हैं, जिसमें से पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और नेक्स्ट 5 फंदों को सीधा बुनेंगे। यहाँ तक टोटल ये 6 स्टिचेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। अब हम सेंटर के 38 स्टिचेस, 38 फंदे उल्टे बुनेंगे। को यहाँ तक उल्टा बुन लेने के बाद अब लास्ट में हमारे पास ये 6 स्टिचेस बचे हैं, तो धागा ऐसे हम पीछे लेकर जाएंगे और इनको हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से रॉन्ग साइड की रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे जो पार्ट बुनेंगे, रॉन्ग साइड की रोज तो हमें इस रो की तरह बुननी है और राइट साइड में फर्स्ट फंदा स्लिप करके सारे फंदों को सीधा बुनना है। इस तरह से आगे का पार्ट अब हम ये बुनते जाएंगे। बैक पार्ट को मैंने यहाँ पे इतना बुनकर कंप्लीट कर लिया है। जब नेक से इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये पार्ट हमने इसके इक्विवेलेंट, जो ये कट है हमारा जहाँ पे हमने स्टिचेस बाइंड ऑफ किए थे फ्रंट पार्ट में, इतना हमने बैक पार्ट को बुन लिया है। अब इसके बाद हम राइट साइड पर आ गए हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में 6 स्टिचेस, 6 फंदे हम कास्ट ऑन करेंगे, जैसे हमने नेक में किए थे। फर्स्ट फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे और फिर लूप ड्रॉ करके सिलाई में ऐसे डाल देंगे। फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर से लूप ड्रॉ करके ऐसे सिलाई में डाल देंगे। ऐसे हम टोटल ये 6 स्टिचेस, 6 फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। 6 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब यहाँ पे सारे फंदों को हम सीधा सीधा बुनते हुए यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस रो में हम फर्स्ट फंदे को स्लिप नहीं करेंगे, इसको भी हम बुनेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सारे फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। रॉन्ग साइड में यहाँ पे अब हम 6 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेंगे। इस फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे, लूप ड्रॉ करके सिलाई में इस तरह से डालेंगे। ऐसे हम ये टोटल 6 फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। 6 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे इस रो में, क्योंकि हमने स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, तो फर्स्ट फंदा भी बुनेंगे। स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक अब हम 12 स्टिचेस, 12 फंदे सीधे बुनेंगे। यहाँ तक इन 12 स्टिचेस को सीधा बुन लेने के बाद अब धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे।
अब सेंटर के ये जो 38 स्टिचेस हैं, 38 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे और फिर यहाँ से लास्ट में ये 12 फंदे हैं, 6 फंदे तो ये और 6 ये, इन 12 फंदों को हम धागा पीछे ले जाकर सीधा बुनेंगे। इस तरह से स्ट्रॉन्ग साइड की रो को बुनकर कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब आगे जो हम रॉन्ग साइड की रो बुनेंगे उसे हमें ऐसे ही बुनना है। हम फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट ये 11 फंदे, टोटल 12 फंदे हमारे हो जाएंगे, इनको तो हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाकर सेंटर के 38 स्टिचेस को उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाकर इन 12 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ऐसे आगे अब हम जो रोज बुनेंगे उनमें हमें रॉन्ग साइड की रो ऐसे बुननी है, और जो राइट साइड की रोज बुनेंगे फर्स्ट फंदा स्लिप करके सारे फंदों को यहाँ तक सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम यहाँ से काउंट करते हुए टोटल 8 सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो पार्ट है हमारा इतना बुन जाएगा। इस तरह से लाइंस हमारी यहाँ पे भी आ जाएंगी। अब इस तरह से ये 8 रोज यहाँ से काउंट करते हुए हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। राइट साइड से काउंट करते हुए ये 8 रोज, 8 सिलाइयाँ मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो उल्टी उल्टी लाइंस आप काउंट करेंगे ये टोटल 5 नजर आएंगी। जब हमने यहाँ पे स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे तब जो राइट साइड और रॉन्ग साइड की रो बनी थी उसमें एक इस तरह की ये उल्टी लाइन यहाँ पे बन गई थी, और फिर जब राइट साइड से काउंट करते हुए ये 8 सिलाइयाँ बुनी तो 4 लाइंस और आ गई। तो यहाँ तक ये पार्ट हमारा इस पार्ट के इक्विवेलेंट बुनकर कंप्लीट हो चुका है। अब आगे जो हम बुनेंगे राइट साइड से फर्स्ट फंदा स्लिप करके सारे फंदों को यहाँ तक हम सीधा बुनेंगे, और रॉन्ग साइड में फर्स्ट फंदा स्लिप करके सारे फंदों को हमें यहाँ तक उल्टा बुनना है, जिससे हमारा इस तरह का ये सीधा पैटर्न आ जाएगा। तो हम जब यहाँ से इसको ऐसे आगे बुनेंगे तो जब इतना पार्ट हमारा बुनकर तैयार हो जाएगा, फिर इसके बाद हम 10 रोज बुनेंगे राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी, फर्स्ट फंदा स्लिप करके दोनों साइड से सीधा सीधा बुनकर इन 10 सिलाइयों को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो ऐसी 5 लाइंस आ जाएंगी, और फिर हमें सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ करना है। इस तरह से हमारा ये बैक पार्ट बुनकर तैयार हो जाएगा। तो आगे अब इस पार्ट को हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। बैक पार्ट को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इस पार्ट को देखिए, यहाँ से ऐसे हमें मेजर करना है। ये जो हमारा आर्म होल की कटिंग के लिए जो पार्ट है इसके साथ ऐसे मिलाते हुए यहाँ से इस तरह से हमें यहाँ से इस पार्ट को ऐसे मेजर करना है। तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सीधा पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया, फिर दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए ये टोटल 10 रोज मैंने यहाँ पे बुनकर कंप्लीट कर ली है। यहाँ ये इस तरह की उल्टी उल्टी 5 लाइंस आ गई हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे सारे स्टिचेस को क्लोज कर देंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और इस तरह से नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर इस फंदे को, पीछे वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे, फिर नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, फिर इस पीछे वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे, फिर नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से पीछे वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से यहाँ तक सारे स्टिचेस हम क्लोज कर देंगे। यहाँ तक इन सारे स्टिचेस को मैंने क्लोज कर दिया है। अब हम यहाँ पे स्टिचिंग के लिए थ्रेड को रखकर एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर देंगे। अब इस थ्रेड में नीडल को डालकर यहाँ से इसकी हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम थ्रेड को यहाँ पे सेट कर लेंगे। अब थ्रेड को यहाँ पे सेट करने के बाद इसको हम इस तरह से ले लेंगे। राइट साइड से ही इसकी हम स्टिचिंग कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं उल्टी उल्टी लाइंस के, एक बार यहाँ पे नीडल डालेंगे, एक बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरह से यहाँ तक इसको हम स्टिच करेंगे। तो अब यहाँ से इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको स्टिच करने के बाद अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसको देखिए हमें कैसे स्टिच करना है। अब ये जो हमारी लाइन है इसमें से ये लाइन छोड़कर ये जो हमारी लाइन है यहाँ से ये जो पार्ट्स हैं ऐसे हमें लेते जाना है और
एक बार हम इस साइड से ऐसे लेंगे, देखें नीडल को इस तरह से डालकर, फिर हम यहाँ से भी इसी तरह की लाइन में से ये इस तरह का पार्ट ऐसे लेंगे और इसमें नीडल डालेंगे, फिर ये जो लाइन है जिसमें से हमने पहले लिया था नेक्स्ट पार्ट को लेंगे और फिर इस लाइन में से यहाँ से इस नेक्स्ट पार्ट को लेंगे। ऐसे हम इसको स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड से मैंने इसको स्टिच कर लिया है और यहाँ पे ये बटन्स भी लगा लिए हैं। बटन्स जो आपको लगाने हैं, इस तरह से फ्रंट के दोनों पार्ट को हम ऐसे ओवरलैप करके देखेंगे इस तरह, और फिर जहाँ पे ये हमारा होल आता है एक बटन यहाँ पे लगाएंगे, एक बिल्कुल इससे सिमिलर यहाँ पे ऐसे मैच करते हुए एक को लेंथ पे लगा लेंगे। यहाँ पे तो मैंने आपको बटन होल बनाकर बता दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए बटन होल नहीं बनाया क्योंकि ये जो हमारा डिज़ाइन है इसमें होल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो ये जहाँ भी हम बटन लगाएंगे वहाँ पे ये होल हमारा इस तरह सेट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे बिना डिज़ाइन के भी बुन सकते हैं, जैसे जो मैंने यहाँ पे 8 स्टिचेस पे डिज़ाइन डाला है, आप यहाँ से भी ऐसे राइट साइड से सीधा, रॉन्ग साइड से उल्टा सिंपल पैटर्न दे सकते हैं। तो जब हम इस तरह का पैटर्न देंगे तब हमें यहाँ पे बटन होल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस डिज़ाइन की बजाय अपनी पसंद का कोई डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको बुन सकते हैं। प्रोसीजर सेम ही रहेगा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है। तो इस तरह से ये हमारा बेबी वेस्ट बुनकर तैयार हो चुका है। इस बेबी वेस्ट को मैंने 3 पार्ट्स में बुनकर आपको दिखाया है। आप अगर चाहें तो तीनों पार्ट के स्टिचेस इकट्ठा एक साथ लेकर भी आप बुन सकते हैं, और यहाँ पे एक चेंज और आप कर सकते हैं। जैसे दोनों फ्रंट पार्ट बुन लेने के बाद यहीं से मैंने बैक पार्ट को बुनने के लिए कंटिन्यू किया है, इस तरह से यहाँ तक इसको बुना है, तो आप यहाँ से बॉटम से भी 62 स्टिचेस लेकर दोनों साइड से सीधा सीधा बुनकर 10 रोज कंप्लीट करने के बाद यहाँ तक इसको बुनकर फिर ये 6 स्टिचेस दोनों साइड में बाइंड ऑफ करने के बाद फिर यहाँ से यहाँ तक भी इस पार्ट को बुन सकते हैं। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे वैसे आप इस बेबी वेस्ट को बना सकते हैं। आप इसे सिंगल कलर में भी बुन सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से डबल कलर में भी इसको बुन सकते हैं। अगर आपको ये बेबी वेस्ट पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।